जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज उम्र निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी भी व्यक्ति का या खुद अपनी उम्र की गणना कैसे की जाती है, कैसे उम्र निकाला जाए, कितने साल, कितने दिन, कितने महीने के हम हैं। तो हम आपको तीन एग्जाम्पल बताएंगे, तीनों अगर आपने अच्छे से देख लिया तो पूरे लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए, फर्स्ट इसमें दो बातों का ध्यान देना होगा। पहला तो जन्मतिथि मालूम होना चाहिए, दूसरा आज का दिन क्या है। आज का दिन ऊपर लिखेंगे, जन्मतिथि नीचे लिख के घटा देंगे। तो पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल साधारण रहेगा, यानी सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिन, उसके बाद माह और उसके बाद वर्ष। ठीक है, आज का जो डेट है 4 जुलाई, जिस डेट को हम वीडियो बना रहे हैं, आज 4 जुलाई है, जुलाई 7वां महीना होता है और सन 2022 है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का जन्म 2 अप्रैल को अगर हुआ है, 2 अप्रैल 2003 को, तो 2 अप्रैल यानी 4वां महीना और 2003। ये जो है पहले आप आज का दिन है, आज का दिन ऊपर लिखेंगे और जन्मतिथि नीचे लिखेंगे, जन्मतिथि नीचे लिख के घटा देंगे। अब देखिए, ये तो बहुत ही साधारण, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, यहां प्रॉब्लम होती है अगला आएगा। अब यहां पे देखिए, सीधा सीधा घटा देंगे, 4 में 2 गए 2 0 2, 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, 22 में 3 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा और 20 में 0 0 यानी 19 साल, ये आपका आ गया 19 वर्ष, 19 वर्ष 3 माह और कितना दिन, 2 दिन, यानी 2 दिन 3 माह 19 वर्ष के। अगर किसी का जन्म जो है 2 अप्रैल 2003 को अगर वो पैदा हुआ है तो आज के डेट में उसकी उम्र कितना होगी, 19 वर्ष 3 माह 2 दिन होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, जब ये वैल्यू बड़ा हो जाता है तब। चलिए और देखिए दूसरा, मान लीजिए आज का दिन जो दिया है इतना है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 9 अक्टूबर को पैदा हुआ, 9 अक्टूबर 10वां महीना होता है, अक्टूबर 10वां महीना होता है और 2004 मान लीजिए, ठीक है, किसी का जन्मदिन 9 अक्टूबर 2004 है तो आज के डेट में कितने दिन का होगा, कितने वर्ष कितने महीने का होगा, तो ये देखिए। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, जब 4 में से 9 नहीं घटेगा तो ये 7 रहेगा, 1 इससे 2, लेकिन ये 1 नहीं जाएगा, ये 1 महीना इधर जाएगा और 1 महीने में 30, 28 या 31 दिन होता है। तो हमें ये देखना होगा ये जो 7वां महीना है ये कितने दिन का है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से मालूम करना सीख लो, यहां जो उठा हुआ भाग है, जो उठा हुआ भाग है ये 31 दिन का होगा और बाकी ये दूसरा नंबर 28 या 29 और बाकी जो निचला भाग है वो होगा आपका 30 दिन का, जैसे जनवरी 31 या 28 या 29 फरवरी और मार्च 31, फिर निचला भाग अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और फिर उठा हुआ भाग अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसे आप अल्टरनेट करके याद कर सकते हैं। तो 4 में 9 नहीं जाएगा तो 1 इधर से उधार जब इधर लेंगे तो 1 महीना इधर आएगा, ये 7वां महीना 31 दिन का होता है, यानी 31 दिन इधर आएगा, 31 दिन इधर आएगा, 31 और 4 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 31 और 4 35 हो जाएगा। इस 35 में से हम 9 को घटा देंगे, 35 में से अगर 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 26 दिन, उसके बाद यहाँ 6 बचा, 6 में से 10 नहीं घटा सकते हैं तो यहाँ 22 में से 1 इधर उठा लेंगे, 22 जो है 1 हम उधार ले रहे हैं तो 1 नहीं आएगा, ये 1 वर्ष आएगा, 1 वर्ष का मतलब 12 महीना होता है, क्योंकि यहाँ महीना है तो ये महीना हम इधर लाएंगे, 1 वर्ष इधर लाने का मतलब 12 महीना आएगा, 12 महीना हो, यहाँ पहले से 6 था 1 इधर गया है, 12 और 6 18 महीना हो जाएगा, 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा और 20 में से 20 गए 0 0, तो यानी कहने का मतलब ये 17 साल 8 महीना और
26 दिन, ये वर्ष है, ये महीना है और ये दिन है। क्या है? 17 वर्ष 8 माह और कितना दिन? 26 दिन। पर ठीक है, अगर इतने बिना समझवा एक एग्जांपल हम और बताते हैं, एक एग्जांपल हम और आपको देते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई बालक है, उसका 12 सितंबर 2001 में पैदा हुआ, आज के दिन वो कितने दिन, कितने वर्ष, कितने महीने का होगा? यानी आज के दिन हम पहले लिखेंगे 04 जुलाई 17 महीना, और 2022 चल रहा है, 2022 लिखेंगे। हमने क्या किया कि 12 सितंबर, हम यहाँ 12 लिखते हैं, 12 सितंबर, सितंबर नौवां महीना होता है, नौ लिखे, और यहाँ 2001 कहा था तो 2001 लिख दीजिए। इसकी जन्मतिथि कितने है? 12 सितंबर 2001 है, और आज का डेट क्या है? 4/7/22, 4 जुलाई 2022 आज का डेट है, तो घटा दीजिए, 4 में से 12 नहीं घटेगा, 4 में से 12 नहीं, तो एक माह इधर आएगा, ये सातवां महीना 31 दिन का होता है, 31 दिन इधर है, 31/4 35 हो जाएगा, और 35 में से 12 हम घटा देंगे, 35 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 23 आएगा। अब यहाँ 6 बचा है, एक वर्ष इधर लेंगे तो मतलब 12 महीना आएगा, 12 इधर आएगा, 6 पहले था, 12 6 18, 18 में से हम कितना घटाएंगे? 9, 18 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 21 बचा, 21 में से घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, तो यही 20 20 जीरो हो जाए, यानी कितना आ गया? 20 वर्ष आया। अभी 20 वर्ष और 9 माह और 23 दिन आए, 23 दिन आए, अब तो समझ में आ गया, नहीं तो आप कोई एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए, बस एक बात याद रखना, आज का जो दिन होगा, आज के दिन से निकालना होता है, या मान लीजिए कहीं से कहीं निकालना हो तो जो लास्ट वाला डेट होगा, लेटेस्ट डेट होगा, उसको ऊपर लिखेंगे, और जो पहले वाला डेट होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी जन्मतिथि हमेशा नीचे लिखना होगा, और जिस डेट से निकालना होगा, जिस डेट से निकालना होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो मान लीजिए आज का डेट आज 4 जुलाई है, या 4 जुलाई छोड़ दो, कोई भी डेट ले लो, किसी भी डेट से अगर निकालना है 2022 में ही, अगर हमें ये मालूम करना हो कि 6 फरवरी, मान लीजिए 6 मार्च, क्या 6 मार्च 2022 को, 6 मार्च 2022 को किसी का, किसी व्यक्ति, राहुल मान लीजिए, राहुल पैदा हुआ था कब, यानी 12 या 13 जुलाई 2002 में पैदा हुआ था, 13 जुलाई 2002 में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो 6 मार्च 2022 में कितना दिन होगा? ऐसे देखो, 6 मार्च 13 ही रहेगा, ये तीसरा महीना 31 दिन का होता है, 31 इधर आएगा, 31 6 37 हो जाएगा, 37 में से तो घट जाएगा 13, 37 7 मास 3 गए 4, और यहाँ 3 में से 24, अब ये जो है 24 है, और 3 मास यहाँ तो 2 बचा, 2 मास 7 नहीं घटेगा, एक वर्ष घर ले लेंगे 12 महीने, 12 और 2 14 महीने, 14 मास 7 घटा देंगे, 14 मास से 7 अगर घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ 21 मास 2 घटा देंगे 19 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर 19 वर्ष 7 माह और 24 दिन, प्यारे दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए एक आप और देख लीजिए, लास्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम समझ लीजिएगा, अभी तक अगर न समझ में आया हो तो, आज का डेट 4 जुलाई 2022 चल रहा है, किसी की उम्र निकालना, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 सितंबर को पैदा हुआ 2006 में, कोई वाला 20 सितंबर 2006 में पैदा हुआ तो उसका आज के डेट में कितनी उम्र होगी? देखो, 4 में से 20 नहीं घटा सकते, जुलाई 31 का होता है, 31 इधर 31 4 35, 35 में से हम 20 को घटा देंगे, 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 6 में से 9 में घटाएंगे, इधर से एक इधर लेंगे यानी 12 महीने आएगा एक वर्ष, 12 6 18 18 में से 9 9,
और फिर यहाँ बचा 21 21 में 6 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 15 वर्ष कितना आया, 15 वर्ष 9 माह और 15 दिन, 15 वर्ष 9 माह। कोई बालक अगर 20 सितंबर 2006 को पैदा हुआ तो आज डेट को उसका दिन क्या हो जाएगा, 15 वर्ष 9 माह और 15 दिन। धन्यवाद, जय हिंद।